अगर शो कुमकुम भाग्य की बात करें तो यहाँ पर भी रोजाना है एक नया ड्रामा, कभी सौतन कभी सहेली, कभी सास कभी बहू। भाई प्रज्ञा, आपकी लाइफ में भी है सिर्फ टेंशन ही टेंशन। तो हम एक काम करते हैं, आज वर्ल्ड रोज डे पर हम बस यही उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में भी फूलों की तरह आ जाए ढेर सारी खुशबू। तो चलिए लेते हैं कुमकुम भाग्य का एक अपडेट। मैंने कुछ गलत कह दिया, तुझे बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। तू इतनी चुप हो गई ना, इसीलिए मुझे लगा कि तुझे बुरा लग गया। नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं प्रज्ञा की प्रतिज्ञा, मैं उनकी शराब की आदत के बारे में सोच रही थी, जिसे हमें कुछ भी करके छुड़ानी हो। मिला दादी का साथ, मानता ही नहीं। अब चिंता मत कीजिए, अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहां आज प्रज्ञा बेहद परेशान है। उसके आगे दो दो मुश्किलें हैं। एक मुश्किल, बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ, जहां उसे अभी के नशे की आदत को छुड़ाना है। अभी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से बड़ी एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। क्या वो आंटी? मैं जितना आपको मानती हूँ ना, उतना ही दादी को मानती हूँ। जितना भरोसा आप मुझ पर करती हैं, उससे ज्यादा भरोसा आप दादी पर कर सकती हैं। मैंने आलिया और तनु को बातें करते हुए सुना है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही। तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा के घर में आ गई है आलिया और तनु, जो हड़पना चाहती है प्रज्ञा की प्रॉपर्टी। उन्हें ये पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए। तुमने भी उनकी बातें सुनी? सुनने की जरूरत ही क्या, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों को। लेकिन प्रज्ञा ने भी ठान लिया है कि वो तनु और आलिया को सबक सिखा कर ही रहेगी और उनके हर वार पर करेगी पलटवार। मैं तभी समझ गई थी कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसे में प्रज्ञा का साथ दे रही हैं दादी और उसकी आंटी। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं, वो दो हैं तो हम तीन हैं। आप दोनों की मदद के साथ मैं उन दोनों को जीतने नहीं दूंगी, हम हो या ना हो। तो भाई अब फिर एक बार शुरू होने वाली है जंग। अब देखना होगा कि इसमें जीत किसकी होती है। क्यों ना, अच्छाई के सामने जीत नहीं सकते, देख लेना तू ही जीतेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, जीत हमारी होगी।